न जाने किसने शुरू किया है तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराता है। अमीरों ने ऐसा आडंबर रचा ना कि गरीबों का जीना मुश्किल हो गया। वो अपनी बच्ची की पढ़ाई का पैसा दिखावट और टेंट और तंबू लाइट मर्चा में खर्च कर देते हैं। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपके पास पैसे हैं, आप अपने पैसे को खर्च कीजिए, लेकिन उस पैसे के खर्च के नाते आप किसी गरीबों का जीना बर्बाद करेंगे, ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। वो एक अपनी कोचिंग छोड़कर एक दूसरी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए तकरीबन 107 करोड़ 107 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, जिसको मना करके इन्होंने तय किया कि सर हम अपने कोचिंग में 200 रुपए हम पढ़ाते हैं, हमको लेके चले जाते तो उसका लाखों चार्ज करते, गरीबों का क्या होगा सर। वाह क्या बात है, 107 करोड़ से शायद हम कुछ घर बना लेते, लेकिन ठुकरा के जो बच्चों को पढ़ाया है ना, आज हिंदुस्तान के हर भारतीयों के दिल में मेरा एक घर है। क्या बात है, विश्वास भरोसा और स्टिकर एक जैसा होता है, एक बार उखड़ गया ना चिपकाते रहिए, उतना अच्छा समझ सकते। हम समझने की कोशिश किए थे कि दहेज आखिर होता क्या है, तो एक चीज उसमें हमको अजीब सा देखने को मिला कि लोग दहेज अगर नहीं लेते हैं ना तो पड़ोसिया उसको कहता है कि लड़कियों में कोई दिक्कत था। जीरो देखिए जीरो, अकेले रहता है तो कोई अहमियत नहीं, बट जिसके बगल में खड़ा हो जाता है ना उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। लाइफ को इस तरह से बनाइए कि जिसके बगल में खड़े हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाए। आप लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति का जगह, लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान ने, गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का, कह रहे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते। गरीब भी अच्छा खाना खा सके त्योहार में, इसीलिए भगवान भी बिक जाता है बाजार में। लड़की के घर वाले जब लड़का को देखने जाते हैं तो लड़का का स्वभाव नहीं, लड़का कमाता कितना है, सरकारी नौकरी है कि प्राइवेट है, जमीन कितना है, लगता है कि नहीं इनकी इनकी बेटी है क्या बगीचे में उतरेंगी आप। देखो दो जगह का वादा कभी पूरा नहीं होगा, एक मोहब्बत और दूसरा चुनाव। इसमें बहुत वादे किए जाते हैं, ये सब हवाई फायरिंग है। लूडो और जिंदगी में एक चीज समानता होती है, जानते क्या, लूडो का हर खिलाड़ी सोचता है कि इस बार 6 आ जाए, लेकिन अगर एक भी आ जाए तो चलना ही पड़ता है। जिंदगी में भी हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन कैसा भी हो चलना ही पड़ता है। जो आपको पसंद नहीं करता है आप भी उसे पसंद मत कीजिए, समझ आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि जो आपको पसंद नहीं करता आप उसके लिए जान भी दे देंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी भी इस काल्पनिक दुनिया से निकलो, समझ आ गया कि नहीं आ गया, और कभी भी प्यार मोहब्बत में गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो, जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस देखना पसंद करते हैं, समझ आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए थोड़ा सा तगड़ा रखना।